ऐसा पता है? नहीं यार, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शक्तिराज परिहार यहाँ से खड़े हुए हैं, वहाँ से गजय सिंह है और हम उनके समर्थन में उतरे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, चुनाव कोई भी हो, चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा को, पंचायतों का हो, स्थानीय इकाइयों का, हम सब एकजुट होकर के कमल के फूल की लड़ाई लड़ते हैं और हमें पूरी तरह से इत्मीनान है, विश्वास है कि हम बहुमत प्राप्त करने में हासिल हो जाएंगे। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो कॉन्ट्रडिक्शन का गठबंधन बनाया है, ये भी धीरे धीरे लोगों के आगे बेनकाब हो जाएगा। बल्कि जैसा मैं ये कह रहा था कि हमने तो कांग्रेस वालों को भी आजाद करवाया, आज उनके नेता आते हैं, जब मन करता है तो लाल चौक में आइसक्रीम करने खाने चले जाते हैं, जब दिल करता है तो शाम को बैठे बैठे आदूज में कबाब खाने का तो यकायक उठ करके चले जाते हैं। ये माहौल, ये वातावरण, ये परिस्थिति, ये सामान्य स्थिति, इसको बहाल मोदी जी ने किया। मोदी जी ने ऐसे हालात कायम किए कि राहुल गांधी जहां चाहे, जिस वक्त चाहे, वादी कश्मीर में, लाल चौक में, रेजिडेंसी रोड पर घूमने जा सकते हैं या किसी रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। मुझे लगता है कि, और ये याद रहे कि जब उनका राज था, केंद्र में भी उनकी सरकार, रियासत में उनकी सरकार, तब ऐसा ना था, तब ना उनमें जरूरत थी ना साहस था कि वो बंद कमरे सिक्योरिटी के कवर से बाहर निकलते हैं। उनको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए मोदी जी का, और मोदी जी के नेतृत्व में इस बदलते हुए मंजर की जो यात्रा है जम्मू कश्मीर की, इसमें वो पूरी तरह ताउन करें बल्कि हमारी मुखालफत करने की। मुझे लगता है कि मोदी जी ने जैसे अपनी जनसभा में श्रीनगर में भी कहा था इस विषय को लेकर के, और गृहमंत्री जी सदन में भी कह चुके हैं, उसके बाद हमारा कुछ कहने का ना कोई औचित्य है ना आवश्यकता है। जैसे उन्होंने कहा कि सही वक्त पर इसमें स्टेट रोड बहाल कर दिया जाए।